हम संजय सरवरे और आप देख रहे हैं संजय सरवरे समाचार। खबरों की शुरुआत में बात करेंगे इस वक्त की एक बड़ी खबर की, जो कि शासकीय नवीन आदर्श महाविद्यालय बरबटी दमोह से जुड़ा हुआ है। आज इसका लोकार्पण कार्यक्रम संपन्न होना था, लेकिन आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की आचार संहिता लागू होने के साथ ग्रामीण अंचल में आदर्श आचार संहिता लागू है, जिसके चलते कार्यक्रम स्थगित हो गया। लेकिन कार्यक्रम स्थगित होने के बावजूद यहाँ पर जो अतिथि थे दमोह विधायक अजय टंडन, उन्हें कोई जानकारी नहीं दी गई, जिसके चलते वह सुबह कॉलेज पहुंच गए। जब देखा यहाँ पर कोई मौजूद नहीं है, तब उन्हें पता चला कि कार्यक्रम स्थगित हो गया है। फिर जमकर उनके द्वारा नाराजगी जाहिर की गई और गंभीर आरोप भी लगाए। किस तरह से आचार को आपने मुझे मोबाइल पर कहा कि ये प्रोग्राम है, आपने मोबाइल पर कितने दिन पहले कहा? मैंने आपसे क्या कहा? आपने अभी बोला है, मैंने आपसे कहा चलिए ठीक है बात करो। मैंने आपसे कहा कि मैं इस कार्यक्रम में जरूर आऊंगा, क्योंकि मैं इस कॉलेज का छात्र रहा और मैं समय से पहुंचूंगा। जो मैंने अभी आपसे कहा कि मेरा इस कॉलेज से लगाव है, यहां मैंने हिंदी में एमए की है और मैंने ये सोच के कि जैसे अपन लेट आते ना, तो जब अपन स्कूलों में कॉलेजों में पढ़े हैं तो पीछे की बेंच पर खड़ा कर दिया जाता, मैं तो वही सोचते हुए कि मैं यहां का आज विधायक हूं, इस बात को लेकर नहीं, मैं इस कॉलेज का स्टूडेंट रहा हूं, इसलिए मैं समय पर वहां पहुंचू। मेरा माननीय प्रिंसिपल महोदय से ये कहना है कि जब रात में ये तय हो गया कि आचार संहिता लग गई है और प्रोग्राम स्थगित है, तो क्या प्रिंसिपल महोदय की ये जवाबदारी नहीं बनती थी कि वह 9 बजे के पहले मुझे सूचित करें? मैंने ही आपको फोन किया है, आपने मुझे फोन नहीं किया। आप कितनी भी सफाई आपके लिए जितने भी समिति की गलती है सर, समिति आपकी गलती है, आप अपनी गलती स्वीकार करो, आप अपनी गलती स्वीकार करिए। मैं क्षमा मांगता हूँ सर, आप मीडिया से मांगो, मुझसे क्षमा मत मांगिए, क्योंकि आप लोग पूजनीय है, आप एक गुरु है, आप एक टीचर है। मेरा तो ये कहना है कि जब गुरु ही ऐसा हो जाएगा तो इन बच्चों को आदर्श कॉलेज नहीं कोई भी कॉलेज बना लो, क्या भविष्य होगा? आप खुद आप क्या 9 बजे के 15-20 मिनट पहले आपने किसी टीचर को रोका? कौन बैठा? कौन जिम्मेदार? यहाँ आप लिख नहीं सकते थे कि प्रोग्राम स्थगित है? सभी लोगों को बैठा रहा, ड्यूटी लगी। अरे खराब करके आता क्यों? और अगर सूचना दी है तो माननीय प्राचार्य महोदय आ गए हैं, पूछ लीजिए कि क्या आपने मोबाइल पे मुझे सूचना दी है, और अगर सूचना दी है तो मैं कटघरे में हूं, और अगर सूचना नहीं दी है तो प्रिंसिपल महोदय कटघरे में बता दीजिए। सर आपने मुझे सूचना दी, आप खुद 10:05 पे आ रहे हो, इतनी देर में तो कार्यक्रम ही समाप्त हो गया। केवल सवाल ये उठ रहा है आप पूछो, आप उनका जवाब। सुबह तत्काल मैंने जनसंपर्क कार्यालय में संपर्क किया, प्रेस विज्ञप्ति निकाली, सभी अखबारों में सूचना दी गई, व्हाट्सएप ग्रुप पर सूचना दी गई, तत्काल सभी के यहाँ जाना संभव नहीं था। आदरणीय विधायक साहब कल 9:05 पर मेरे पास कॉल आया, तत्काल मैंने आदरणीय विधायक साहब और अनुरोध किया कि चूंकि आचार संहिता लग चुकी है, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ, आप मेरे सम्मान लिए आपकी हर बात मैं पालन अक्षरता करता हूँ।
संख्या में कार्यक्रम स्थगित किया गया है और मैंने तत्काल महाविद्यालय की समिति को अवगत कराया कि आदरणीय विधायक साहब के यहाँ जाए और उनको सूचना संप्रेषित करें। एक मिनट, अब डिबेट हो जा रहे हो आपको मुक्त करा। देखिए सर, अरे इन बातों का कुछ छोड़िए, जब वो पूछ रहा है क्योंकि मैं खड़ा हूँ तो उसका आंसर देना भी मुझे। आपने मुझे मोबाइल पे कहा कि ये प्रोग्राम है, आपने मोबाइल पे कितने दिन पहले कहा? मैंने आपसे क्या कहा? आपने अभी बोला, मैंने आपसे कहा गरीब की बात कर रहा हूँ, मैंने आपसे कहा कि मैं इस कार्यक्रम में जरूर आऊंगा। विधायक का अपमान हुआ तो एनएसवाई मैदान में नजर आई। शुभम तिवारी जो कि एनएसवाई के जिला अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा पीजी कॉलेज में जाकर धरना प्रदर्शन करने का प्रयास किया गया। इसी बीच एक ज्ञापन भी सौंपा गया जिसके बाद प्राचार्य के द्वारा जानकारी दी गई कि इसमें आमंत्रण समिति के विरुद्ध नोटिस जारी कर दिए गए हैं। पीजी कॉलेज द्वारा जनप्रतिनिधियों का निरंतर अपमान किया जा रहा है। आज मॉडल आदर्श मॉडल कॉलेज का उद्घाटन था। माननीय अजय टंडन जी विशिष्ट अतिथि के रूप में इनवाइट किए गए थे, लेकिन आचार संहिता के कारण कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया, जिसकी सूचना माननीय जी को नहीं दी गई। ऐसा अगर कॉलेज प्रबंधन द्वारा किया जाएगा तो एनएसयूआई निरंतर धरने पर बैठी रहेगी, चाहे कुछ भी हो। अभी थोड़ी देर पहले प्राचार्य महोदय द्वारा एक हम लोगों को लेटर सौंपा गया है, जिसमें समस्त आमंत्रण की समिति, जिस आमंत्रण समिति में जितने भी सदस्य थे उनको तीन दिन के अंदर स्पष्टीकरण देने को कहा गया है। अगर तीन दिन में उचित कार्यवाही नहीं होती है तो एनएसयूआई पुनः अपना धरना बड़े रूप में आगे बढ़ाएगी, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी महाविद्यालय के प्राचार्य श्री केपी अहरवाल जी की होगी। धन्यवाद। अजय टंडन जिंदाबाद। जल्द ही मिलते हैं अपनी अगली खबर के साथ, देखते रहिए संजय सरवरिया समाचार। नमस्कार। संजय सरवरिया समाचार।